कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र, स्वागत है आपका केजे मिशन में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं, आपको सेपरेट स्टडी करनी चाहिए या पैरेलल, यानी आपको एक साथ कई सारे सब्जेक्ट लेके चलें या एक साथ एक सब्जेक्ट लेके चलें। मैं यूपीएससी सीरीज पार्ट 31 से लेके पार्ट 44-45 तक हर में ये बताता आया था कि सेपरेट और पैरेलल आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते। तो आप सबकी डिमांड आ रही थी सर इस पैरेलल और सेपरेट के ऊपर किस तरीके से लोगों की स्टडी होती है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इनके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाइए। मेरा मेन मोटिव क्या है, ऐसी वीडियो प्रोवाइड करना जो कम ही हो यूट्यूब पर या हो ही ना, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यूपीएससी सीरीज पार्ट 13 में मैंने बताया था आर्ट ऑफ रीडिंग, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आपको पढ़ने का तरीका किस तरीके से रखना है। उसकी मैं एक छोटी सी क्लिप आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, उसके बाद मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ बताऊँगा, आप इसको देखिए। पहले जो स्टडी होती है आप कितने तरह से स्टडी कर सकते हैं, तो मैं इसको टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, एक सेपरेट स्टडी और एक पैरेलल स्टडी। सेपरेट स्टडी में क्या होता है, आप किसी भी टॉपिक को उठाते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं और बोलते हैं कि जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ही मैं किसी दूसरे को स्टार्ट करूंगा, वो कहलाता है आपका सेपरेट स्टडी। इसमें आप वन बाई वन सारे सब्जेक्ट या सारे टॉपिक खत्म कर जाते हैं, इसमें आपका जो फोकस होता है ओनली वन सब्जेक्ट पर रहता है। लेकिन जो पैरेलल स्टडी होती है उसमें आप टू या टू से ज़्यादा सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकते हैं, जैसे आपके पास 24 घंटे होते हैं उनमें आप दो तीन सब्जेक्ट आराम से पढ़ सकते हैं और फोकस आपका दो तीन सब्जेक्ट पर रहेगा, तो आपकी सोच जो रहेगी डायनेमिक रहेगी। लेकिन सेपरेट स्टडी के भी कुछ फ़ायदे नुकसान है, पैरेलल के भी फायदे नुकसान है। सेपरेट जो होता है आपका लेस एफिशिएंट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा होता है, हो सकता है ये आपको बोर कर सकता है, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपका प्रोडक्टिव इससे ज़्यादा नहीं निकले, लेस प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन जब पैरेलल स्टडी करेंगे आप 6 घंटे की सब्जेक्ट और 6 घंटे की सब्जेक्ट को, तो आप उसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस ला सकते हैं, उसमें आपको बोरियत नहीं होगी। आप एक सब्जेक्ट में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप नेक्स्ट को पढ़ लीजिए, तो आप उसमें बोर नहीं होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। और डायनेमिक सोच जो रहती है पैरेलल वाले में रहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सेपरेट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या पैरेलल को तवज्जो दे रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपके पास अगर आपके पास ज़्यादा पढ़ने की कैपेसिटी, आप 12 से 15 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आप पैरेलल स्टडी को पढ़िए। अगर आपके पास 4 से 6 घंटे या 7 घंटे हैं तो आप सेपरेट स्टडी को पढ़िए, एक टॉपिक को पढ़िए, उसको धुआंधार पढ़ के खत्म कीजिए। मैं पहले आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बताना कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको लगी कैसे। अब बात करते हैं एडिशनल चीज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि आपको पैरेलल करनी चाहिए या सेपरेट। अब मैं आपको एक तरह से अपनी हिंट दे दे रहा हूँ मैं किस तरीके से पढ़ाई करता हूँ। देखिए मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनानी होती हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, कभी कभी 2 से 3 दिन वीडियो बनाने में चले जाते हैं, या अगर डेली वीडियो बनाओ तो 4 से 6 घंटे वीडियो बनाने चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ प्लीज़ चैनल की वीडियो को सपोर्ट किया करें, बात यहाँ पे नहीं है सपोर्ट किया करें, बात यहाँ पे मैं और कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है वीडियो बनाने में, तो कभी मुझे पैरेलल स्टडी करनी पड़ती है कभी सेपरेट। अगर मुझे पता है कि मेरे पास 6 घंटे हैं तो उन सारे 6 आवर्स में मैं किस तरीके से अपने कंटेंट को कैसे पढ़ सकता हूँ, कितना पढ़ सकता हूँ, तो मैं उस हिसाब से पढ़ लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए पढ़ना है, मेरे पास 6 घंटे हैं, तो 3 घंटे में मैं क्या करूँगा, ज्योग्राफी पढ़ ली और 3 घंटे में करंट अफेयर। मेरे पास 10 आवर्स का टाइम टेबल है मान लीजिए, तो 10 आवर्स मेरा ज्योग्राफी भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, तो 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर। आपको एक सब्जेक्ट को लेके करंट अफेयर को साथ में लेके ये कहलाएगा आपका सेपरेट स्टडी। इसको वही स्टूडेंट फॉलो करें जो जॉब प्रोफेशनल वाले हैं। पैरेलल स्टडी, एक सब्जेक्ट ले लिया साथ में दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, दोनों को ख़त्म करना है आपको साथ में, उसके साथ करंट अफेयर को लिंक करेंगे। मेरी जो प्रिपरेशन होती है, मैं पहले क्या करता था, वीक में मेरे 2-3 दिन वीडियो बन जाते थे, लेकिन अभी मैंने ये कर लिया कि 2 से 3 दिन पूरे कंप्लीट मैं वीडियो में देता हूँ, उसके बाद मैं जितना 4 दिन या जितना भी 5 दिन मेरे पास रहते हैं उसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, तो उसमें मैं अपना 14-15-16 घंटे का मेरा टाइम टेबल है उसको फॉलो करता हूँ, 16 आवर्स का टाइम टेबल है, जिसमें मेरे 3 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें मेरा ऑप्शन रहता है, 2 स्टैटिक सब्जेक्ट रहते हैं, कभी 2 कभी 1, और 1 करंट अफेयर, ये मेरा टाइम टेबल होता पढ़ने का। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं सेपरेट अच्छा है पैरेलल अच्छा है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, कुछ दिन फॉलो करके देखिए, ट्राई करके देखिए, सोचिए समझिए इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आपको एक लंबी जर्नी तक लेके जाना है, तो अपने दिमाग का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करें। हमने बता दिया, अच्छी बात है आपको समझ में आ गया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद को एनालाइज करना है। आपकी पढ़ाई से ज़्यादा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी वीडियो भी नहीं, मेरी कुछ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, चाहे कितनी भी सिंपल कितनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको कितने भी कम टाइम में दे दूँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो मेरी इन्फॉर्मेशन 0।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा इम्प्लीमेंट अपने ऊपर भी करें, ट्राई करें थोड़ा सा। मैंने भी ट्राई किया था, आप भी ट्राई करें। मेरा मेन मोटिव क्या है, ऐसी वीडियो प्रोवाइड करना जो कम ही हो यूट्यूब पर या हो ही ना। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता है सेपरेट पैरेलल के ऊपर कभी वीडियो आई हो डिटेल में। मैंने आपको प्रोवाइड किया क्योंकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ इसको। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को फॉलो करें, लेकिन हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, चैनल की वीडियो को सपोर्ट करें। अगर मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं आप। आपको अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। और इसके साथ ही समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद।